सो हेलो वेलकम बैक गाइज में इस नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 के कुछ प्रो टिप्स, वो भी पबजी के। तो गाइज पहले तो आप सभी को 600 फैमिली मेंबर्स हो हमारे सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और गाइज आप आई होप आप अच्छा सेलिब्रेट करो 2019 को। तो गाइज इस बार में हम सोचा कि हमने 2019 आया तो 2019 का कुछ प्रो टिप्स भी दे दूँ न्यू। तो गाइज आप सभी को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, खुद आपको आप अच्छे वाले प्रो बन जाओगे। सो गाइज इस वीडियो में जो भी टिप्स बताने वाला हूँ वो स्टेप टू स्टेप हर कोई फॉलो करेगा तो मैं 100% बता रहा हूँ वो कुछ ना कुछ दिन में एकदम प्रो बन जाएगा और आप भी अच्छे खासे चिकन डिनर ले सकते हो विद एकदम प्रो टिप्स का। तो गाइज आप सभी को बस करना है वीडियो सुबह से लास्ट तक देख लेना है और कुछ नहीं भाई, कुछ टाइम निकाल के हमारी वीडियोस भी देख लिया करो यार, वैसे भी कम व्यूज आते हैं तो भाई कुछ सपोर्ट करो भाई को। सो गाइज चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज उससे पहले अगर एक रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज ऐसी न्यू अपडेट्स या फिर प्रो टिप्स वाली वीडियोस आती रहती तो जल्दी सब्सक्राइब मार सकते हो हमारे चैनल को। सो वीडियो खत्म होने से पहले एक लाइक जरूर छोड़ते जाना। सो गाइज चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट टिप आप सभी के लिए ये हो सकती है कि भाई आप लोग अपने एनिमी को फुल टू फुल कंफ्यूज करो। यस गाइस आप बोलोगे भाई फुल टू फुल कंफ्यूज करना भाई, उससे पहले तो हमें वो किल कर देते हैं। तो नहीं गाइस मैं आपको इसमें टिप बताता हूँ विद एग्जाम्पल के साथ, यानी वीडियो के क्लिप भी दिखा के बताता हूँ कैसे आपको कैसे कंफ्यूज करना। सो गाइस आपको बस इतना याद रखना कि भाई जो भी आपके सामने प्लेयर हो या फिर एनिमी हो तो भाई उसको करना क्या, एकदम हेड पे शॉट रखना है। कभी भी उसका हेड पे शॉट आप सभी को कभी भी रखना है, यानी आप अगर शरीर पे मारते तो उतना ज़्यादा मतलब बॉडी डैमेज हो जाती है बट उनका हेड जो होता है वो वैसे ही सेफ टू सेफ रहता है और उससे वजह से वो बच जाते हैं। तो यानी बॉडी पे आपको कभी भी हिट नहीं करना यार, यहाँ पे बॉडी पे हिट नहीं करना। जितना हो सके आप मरो चाहे कुछ भी हो पर आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उनके हेड पे शॉट लगाने, क्योंकि आप नॉर्मल गन से भी हेड पे शॉट लगाते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है उन सभी का और जल्दी जल्दी किल मिलता है आप सभी को। और गाइस यहाँ पे आप चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। तो गाइस इस टिप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने शरीर को कुछ भी करो, बस आगे पीछे हिलना चाहिए आपका शरीर, एक जगह रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक जगह मैंने देखा कितने न्यू प्लेयर्स होते हैं जो एक जगह बैठ जाते हैं और पिक एंड फायर यूज़ करके मारते हैं जिस वजह से उनको किल भी नहीं मिल पाता और उनके हेड पे शॉट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस वजह से यार बहुत ही ईजिली वो न्यू प्लेयर्स किल हो जाते हैं। क्योंकि यार पिक एंड फायर में हम ये तो देखते हैं कि भाई बॉडी हमारी एक जगह स्टेबल रहती है बट उसका जो हमारा आधा पार्ट होता है यानी बॉडी का हेड पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है और जिसको अगर कोई भी अगर हेड शॉट भी आपको आराम से दे सकता है, क्योंकि यार हेड पे अगर निशाना बना तो भाई एक बार में हेड शॉट खाओगे और वहाँ पे एकदम पड़ जाओगे नीचे। तो यार ये आपको कभी नहीं करना कि भाई पिक एंड फायर को करके इसको करके मारना, अगर पास वाला प्लेयर है तो भाई आपको कभी भी इसके हेड पे शॉट लगाने की कोशिश करनी है जिस वजह से आपको जल्दी जल्दी अवैध किल मिल पाए। जैसे कि हमें एक जगह रुक नहीं रहा, बस यहाँ पर रुकना नहीं आ रहा आप लोगों को, एक जगह रुकते हो तो भाई बहुत ही जल्दी आप किल हो जाओगे। तो मेरी ये सेकंड टिप थी। तो भाई ऐसा अगर कुछ करते हो तो भाई आप बहुत ही ईजिली अपने गेम में मतलब अप्लाई करके बहुत ही इजली जल्दी से जल्दी प्रो बन जाओगे। वैसे कोई ऐसी वीडियोस नहीं है कि भाई आपको मतलब वीडियोस देख लो आप प्रो बन जाओ, पर मुझे जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि भाई अगर ये वीडियो देखोगे तो भाई बहुत ही इजली प्रो बन जाओगे। क्योंकि यार मैंने अभी तक मतलब ये गेम ज़्यादा दिन से खेल लिया बट तीन महीने भी नहीं हो ढंग से गाइस, मैं बहुत ही अच्छा इस प्लेयर मतलब इसमें मैं बहुत ही अच्छा खेल पाया जिस वजह से एज में भी आ चुका हूँ आज मैं। और गाइस इसी टिप के अप्लाई करने की वजह से मैंने फाइनली 1500 स्किल्स मेरे अभी स्टेटिक्स में है गाइस। तो गाइस अब जो आती है ग्रेनेड फेंकने की बात, बहुत लोग ग्रेनेड बहुत ही गलत फेंकते हैं, जैसे कि न्यू प्लेयर्स मैं बताता हूँ न्यू प्लेयर्स कैसे फेंकते हैं। कुछ ऐसे निकलते हैं और गाइस सीधे घर के सामने अटैक कर देते हैं ग्रेनेड लेकर और उसमें बहुत ज़्यादा किल होने के चांस रहते हैं गाइस आप लोगों के, जिस वजह से आपको बहुत ही जल्दी किल हो सकते हैं। इसमें किल भी ऐसी बात नहीं किल मिलता है बट वहाँ पे कितने न्यू प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी मतलब ग्रेनेड फेंकते हैं, वो भी घर के सामने जाके अटैक होने के, जो कि वो खिड़की से अगर देखता है तो भाई एकदम किल कर सकता है आपको बहुत ही इजीली। जैसे कुछ ऐसे न्यू प्लेयर्स कहते हैं मेरे वैसे स्मोक है, इस वजह से स्मोक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्रेनेड तो है नहीं यार, स्मोक मिला तो मैंने सोचा स्मोक पे ही दिखा दूँ आप सभी को। तो गाइस आपको करना क्या, आप जो प्रो प्लेयर होते हैं वो भाई कुछ ऐसा करते देख सकते हैं जैसे मैंने। सो गाइस यहाँ पे आपको ऐसा दिमाग में रखना कि हमें जेड फॉर्म करना है, यानी ग्रेनेड जो आपके हाथ में उससे जेड फॉर्म होना है। जैसे मैं दीवार पर मारता हूँ तो उल्टा रिप्लाई भी जाएगा मतलब टकरा के वो जाएगा सीधे घर के अंदर और वहाँ पर जो घर के अंदर घुसे होंगे वो आराम से मर जाएंगे और आपको कोई डैमेज भी नहीं हो पाएगा यहाँ से। यानी ये बहुत ही अच्छी एक प्रो टिप है जिस वजह से आप बहुत ही जल्दी अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने बॉम्ब पे मतलब एक तरह से बॉम्ब ही मानो इस गैस को, क्योंकि गैस मेरे पे थी इसलिए मैंने बॉम्ब का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे गैस जैसे मैंने फेंकी तो गैस यहाँ पे देखते हो गैस पूरी घर में फैल गई, यानी ऊपर के फ्लोर में पूरी गैस फैल गई। तो गैस यहाँ पे ये अच्छी प्रो टिप हो सकती है आप सभी गेम अगर खेलते हो तो यार एक तरह से बहुत अच्छी प्रो टिप हो सकती है। तो यार आज के बस यार इतनी सी, तो ये तीन प्रो टिप्स आप अपने गेम पे अप्लाई करो यार, मैं बोलता हूँ 100% आप बहुत ही जल्दी प्रो बन जाओगे। और गाइस मैं तो वैसे प्रो नहीं हूँ बट गाइस मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है भाई मेरे को मुझे नहीं मालूम गाइस प्रो हूँ कि नहीं बट मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत ही इजीली किल कर पाता हूँ और इसी वजह से मेरे 15,000 किल है। सो आई होप गाइस आप सभी को टिप पसंद आई।
सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक बटन को एक कार एंटीटर का अच्छा वाला हेडशॉट दो, लाइक बटन को यानी ब्लैक कलर से ब्लू कर दो, और साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उसे M416 से पूरा भून डालो यानी सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो यानी मेरी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल पाए और आप लोग अपडेट रह पाओ।